हेलो माय लवली फ्रेंड, वेलकम टू मेकअप मंत्रा। और आज मैंने जो ये लुक किया है स्पेशली वर्ड सावित्री के लिए किया है, लेकिन आप इस लुक को एडिटी जैसे ही रख कर के पार्टी मेकअप लुक कर सकते हैं, रिसेप्शन मेकअप लुक कर सकते हैं, मेहंदी मेकअप लुक भी कर सकते हैं। और आई मेकअप तो बहुत ही खूबसूरत है गाइज, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टोनर से, और इसके लिए मैंने गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर लिया है जो हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड हमारे स्किन को टाइट भी रखता है। और यहाँ पे मैं बायोटिक का लिप बाम ले रही हूँ गाइज, ये बहुत ही अच्छा लिप बाम है, काफ़ी टाइम तक लिप को मॉइस्चर रखता है। यहाँ पे मैंने अपने आई को प्राइम करने के लिए इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर लिया है, और इसमें दो शेड अवेलेबल है गाइज, और आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले लेना। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इसमें सारे शेड है और आपके स्किन में जितने भी प्रॉब्लम हैं इसे सॉल्व हो सकते हैं। और इसे मैं सेट करने के लिए इस्क्यू का ट्रांसल्यूशन पाउडर ले रही हूँ, इसका सेट 02 है और इसकी क्वान्टिटी भी अच्छी खासी है, और ये ब्रिटिश स्किन टोन पर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पे मैंने आई मेकअप के लिए जैकलिन हिल का मॉर्फिन पैलेट लिया है जो कि ड्यूप है, और इसमें से मैं सेम वही सेट पिक करूँगी जो कि येलो कलर के सर्कल में है। और आज मैं ब्रश से नहीं क्यू टिप की हेल्प से आई मेकअप कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि लाइट ब्राउन कलर का शेड लेके मैं यहाँ पे क्रीज लाइन बनाया, उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके आँखों को डेप्थ देने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके बाद मैंने ग्रीन शेड लिया है, डीप ग्रीन शेड, और उसे भी अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप सोचेंगे ना कि जितने टाइम में मैंने आई मेकअप दिखाया फटाफट उतने टाइम में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़े से टाइम देके कीजिएगा क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ है इतनी जल्दी। मैंने बस आप लोगों को वीडियो लंबी ना हो इसलिए बहुत ही कट करके दिखाया है, तो आप लोग भी कोशिश करें, थोड़े से टाइम दें, बहुत ही अच्छे से अच्छे आई मेकअप कर सकते हैं। तो इसी तरह के ब्यूटीफुल से आई मेकअप लुक को करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोगों को शेयर भी करना है। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो ब्लू कलर की सिमरी शेड है उसे लेके मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, और मैंने साइड में इसे अच्छे से क्यूटिप से ही ब्लेंड कर लिया, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे मैं कटक्री ड्रॉ कर रही हूँ सीच ब्यूटी की कंसीलर से, शेड नंबर 03 है इसमें। और यहाँ पे मैंने यूज किया है ये सिमरी डस्ट है, जिसे कि मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था। आप अगर लेना चाहो तो सीच ब्यूटी का भी सिमरी डस्ट है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसे भी मैंने क्यू टिप्स के हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। और एक क्लीन क्यू टिप से ब्लेंड करना है आपको, ताकि जो कलर है इधर उधर ना जाए और हमारे जो एजेज है अच्छे से मिक्स हो जाए, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। यहाँ से मैंने एक डार्क मैरून शेड लिया है और उसे भी मैंने आउटर भी की तरफ अप्लाई कर दिया है, ताकि ये देखने में थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट लगे और ड्रामेटिक लुक आ सके आई में। और यहाँ पे मैं एक लिक्विड आईलाइनर है जिसे मैं अप्लाई कर रही हूँ, इसे भी मैंने लोकल मार्केट से परचेज किया था, और इसे लगाने के बाद एकदम आपकी आँखों में बहुत ही अच्छी सी साइन आ जा रही है, आने के साथ साथ लुक भी जो है बहुत मैंने हाई लेवल का दिखने लगता है, एकदम प्रोफेशनल आई मेकअप। और यहाँ पे मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए NYB की प्राइमर ले रही हूँ, इसे अच्छे से प्राइम करना है। यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक के ही पैलेट से मैंने ऑरेंज शेड को पिक किया है, और जहाँ जहाँ भी आपको डार्क सर्कल है या एक डार्क स्पॉट की प्रॉब्लम है उसे पहले हम हाइड करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे और ब्लेंड करके एक जैसे फेस को करेंगे। आज मैंने बेस मेकअप के लिए पैक का फाउंडेशन लिया है, इसमें मैंने 1.6 एंड 4.7 दो शेड लिए हैं, और दोनों शेड को मैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग मिक्स करूँगी। और जो कि 1.6 है वो लाइट शेड है और 4.7 है जो डार्क शेड है। अगर आपके पास दो शेड होता है तो आप इंडियन स्किन टोन, किसी भी तरह के इंडियन स्किन टोन पे बहुत ही अच्छे से वर्क कर सकते हैं, आपको और कोई भी फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे हमारा बेस कंप्लीट होता है, और अब बढ़ते हैं कंटूरिंग की तरफ। तो कंटूरिंग के लिए मैंने सेम पहले से डार्क शेड लिया है,
और ये क्रीम कंटूर है फ्रेंड्स। तो क्रीम कंटूर आप फाउंडेशन के पहले भी कर सकते हो, फाउंडेशन के बाद भी कर सकते हो। और इसे ब्लेंड करने के लिए ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कीजिए या ब्रश से, अब जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ वर्क कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपने हाइलाइटिंग एरिया को हाईलाइट करने के लिए स्विच ब्यूटी का कंसीलर 03 लिया है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, यहाँ वहाँ पे मैं रील वीडियो वगैरह डालते रहती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पे मैं अपने मेकअप को बेक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा ही। और मैं सेम पहले से डीप टोन को लेकर के क्यू टिप की हेल्प से ही मैं अपने लोअर लेस पे ब्लेंड कर ले रही हूँ। और जब आप लोअर लेस पे वर्क करते हो ना तो आपकी आई मेकअप ना एकदम प्रो लेवल की दिखती है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल। और यहाँ पर मैंने अपने जो है आईब्रो को भी फिल किया है, तो सेम पैलेट से ही फिल किया है। तो गए ये पैलेट भी बहुत ही अच्छा है, आप इसे बहुत तरह से यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आईब्रो भी किया है, कॉन्टूरिंग भी किया है, ब्लशिंग भी किया है, सब इसी पैलेट से किया है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ए वाई ए का लाइनर, ये बहुत ही अच्छा लाइनर है, इसकी टिप्स जो है ना काफ़ी अच्छी है और बजट में भी है। और लाइनर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे विंग लाइनर लगाया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे कैट आई लाइन भी ड्रॉ किया है गाइस। यहाँ पे मैंने अपर आई लाइन को टाइट लाइन करने के लिए लॉरियल का काजल यूज किया है ब्लैक, एंड लोअर लेस पे मैंने रिमेल लंदन का ग्रीन काजल यूज किया है गाइज। इसकी जो प्रोडक्ट डिटेल है सारी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हो। अगर आपको थोड़ी भी कोई प्रोडक्ट अच्छी लगती है तो आप उसमें से बाय कर सकते हो डायरेक्ट। और यहां मैं मेबलिन की क्लेसिन मस्करा ले रही हूं, जो कि बहुत ही अच्छा वॉल्यूमलाइज मस्करा है एंड ये वाटरप्रूफ भी है। और इसे आप एज इट इज ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे हुडा बेटी की आईलैशेस वेयर की है जो मुझे एक आईशैडो पैलेट में मिला था। और फॉल्सेस को लगाने के लिए मैंने मिस क्लियर का डार्क टोन यूज़ किया है, ये ब्लैक कलर में है। और यहाँ मास्टर क्रोम का हाइलाइटर है जिसे मैंने क्यूटिप की हेल्प से अपने ब्राबोन को हाईलाइट कर लिया है। और सेम पैलेट से मैं यहाँ पर जो क्रीम कंटूर किया था ना, तो वहाँ पे मैंने कोई भी पाउडर अप्लाई नहीं किया था, तो वहाँ मैं इसी ब्राउन सेट को अप्लाई कर ले रही हूँ एंड हेयर लाइन पे भी साइड साइड में लगा लूँगी। और यहाँ पे पिचिस सेट लेके मैं यहाँ ब्लश भी कर ले रही हूँ, इसी से ही कर रही हूँ सारा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सेड हैं और बहुत अच्छा पैलेट है गाइज, आप चाहो तो इसे ज़रूर परचेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रेड कलर का लिपस्टिक को वेयर किया हुआ है गाइज, जिसे कि मैंने क्लब फैक्ट्री से मंगाया था और ये हुडा ब्यूटी का ड्यूप है और मैं इसका कोई भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैंने पूरा मेकअप को सेट करने के लिए स्विच ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है, बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। सो गाइज ये रहा मेरा फाइनल लुक, तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई मेकअप वगैरह यूट्यूब से किया गया है तो, और काफ़ी गर्मी होने की वजह से यहाँ मैंने बन बनाया है, क्योंकि पूजा गर्मी में ही आप पेड़ के नीचे करनी पड़ती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, बाय बाय, लव यू।